5 अगस्त 2024, यह दिन बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हो गया है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने 15 सालों से सत्ता में बैठी देश की सरकार को गिरा दिया। इतना ही नहीं, देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश और पद भी छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन को खड़ा करने में 3 छात्र नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इन छात्रों को कई बार सरकार ने परेशान किया, पुलिस ने इन्हें जेल में डाला और टॉर्चर भी किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। चलिए आपको इन्हीं 3 छात्र नेताओं की कहानी बताते हैं। नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। आंदोलन के दौरान नाहिद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे थे। इसके 24 घंटे बाद नाहिद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक लोहे की छड़ से पीटा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को और भड़का दिया, जिससे लोग हिंसक हो गए। आसिफ महमूद। आसिफ भी बाकी कई बच्चों की तरह जून में देशव्यापी छात्र आंदोलन का हिस्सा बना था, जिसके कारण उसे भी हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वीडियो जारी किया और लोगों को विरोध प्रदर्शन वापस लेने को कहा। बाद में सामने आया कि पुलिस ने उससे मारपीट कर वीडियो बनवाया था। पुलिस ने जेल में आसिफ को बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया था। अबू बकेर मजूमदार। अबू बकेर ने आरक्षण वाले फैसले के खिलाफ दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। अबू ने आरक्षण वाले फैसले का जमकर विरोध किया, जिसके कारण पुलिस ने अबू पर विरोध वापस लेने का दबाव बनाया और उसके साथ मारपीट की। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर,